हल्द्वानी में महिला अस्पताल में लंबे समय से चिकित्सकों का अभाव बना हुआ है। अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का निशुल्क अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लेकिन इन दिनों रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर होने से अल्ट्रासाउंड सेवा कुछ दिन के लिए बंद है और अस्पताल प्रशासन स्थायी चिकित्सकों की तैनाती के लिए कई बार शासन को पत्र भेज चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। इससे गर्भवती महिलाओं को बेहतर इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के दो पद स्वीकृत हैं, जिनमें अभी तक स्थायी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग ने पदमपुरी से अस्थायी तौर पर डॉक्टर मोद पंत को यहां नियुक्त किया, जो कि पिछले दिनों से बीमार हैं। बताया जा रहा है कि आगामी 17 दिसंबर तक रेडियोलॉजिस्ट अवकाश पर रहेंगे और उनके आने पर ही सेवा सुचारू होने की संभावना है। बहुत बड़ा सवाल पूछा हमसे कि अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट हमारे हैं, लेकिन अभी वो बीमार चल रहे हैं ना, तो इसलिए वो हमारी अभी अल्ट्रासाउंड हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और रूटीन में तो हम लोग डेट दे रहे थे, लेकिन जो इमरजेंसी वाले थे वो अभी बेस में डॉक्टर विपिन पंत हैं, वो कर रहे थे, लेकिन अचानक से कल से उनकी भी तबीयत खराब हो गई है। तो 5-6 दिन के लिए, हफ्ता भर आपको मैं कह नहीं सकती, भाई डॉक्टर बीमार भी होता ही है। तो जब उनकी तबीयत, वो भी नॉन स्टॉप कर रहे थे काम, तो अब जब वो ठीक होंगे तभी हम लोग कुछ आगे कर पाएंगे। अब जो इमरजेंसी है वो करवा दो, इमरजेंसी ऑपरेशन भी हम लोग कोशिश करते हैं।